की सबसे बड़ी खबर राष्ट्रपति भवन से आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों के राज्यपाल के नामों में शनिवार देर रात फेरबदल किए हैं। सबसे बड़ा नाम भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर का आ रहा है, जिन्हें सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। इसी के साथ राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में हरिभाई किशन राव बागड़े को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान से असम में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को अब पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कटारिया पंजाब के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी नियुक्त किए गए हैं। देर रात राष्ट्रपति भवन से राज्यपालों में फेरबदल की सूची जारी हुई है। इनके अतिरिक्त जिष्णु देव को तेलंगाना, संतोष कुमार गंगवार को झारखंड, रमन देखा को छत्तीसगढ़, सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड और तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम और सिक्किम मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है, मेवाड़ भाजपा के कद्दावर नेता रहे और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया अब राज्यपाल पंजाब के होंगे, साथ ही वे चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त होंगे। इसी के साथ राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में किशन राव बागड़े को नियुक्त किया गया है।